सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको डहेलिया के प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक हेल्दी प्लांट लेना होगा, उससे आपको कुछ ब्रांचेस को कलेक्ट करना होगा। तो अगर आप छोटी ब्रांच लेते हैं तो वो अच्छे से आसानी से ग्रो हो जाती है। तो ये देख सकते हैं, मैं इस तरह की ब्रांचेस को कलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको कुछ प्लास्टिक की इस तरह की ग्लास लेनी होगी, जिनमें नीचे की ओर आपको सभी में छेद बना लेना है इस तरह से, ताकि जब हम अपनी कटिंग को इन ग्लास में लगाएंगे और उसमें पानी डालेंगे तो आसानी से निकल जाए। डहेलिया के प्लांट को आप कटिंग से सितंबर से लेकर फरवरी के बीच में आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने कुछ डहेलिया की अलग अलग वैरायटी की कटिंग ले रखी है। तो अब इन कटिंग की सबसे पहले तो जितनी भी पत्तियां हैं उनको हमको हटा देना है। ऊपर की कुछ पत्तियों को हमको बचा के रखना है, बाकी सारी पत्तियों को आपको हटा देना है ताकि हमारी जो कटिंग है वो अच्छी से आसानी से ग्रो हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से आपको कटिंग को तैयार करना है और ज़्यादा बड़ा आपको नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 इंच लंबी आपको ब्रांच रखनी है। तो इसी तरह हम सारी कटिंग को कर लेंगे। डहेलिया की प्लांट की सारी कटिंग तैयार हो चुकी हैं। आपको इसी तरह से सारी कटिंग को तैयार करना है। अब आपको सैंड लेना होगा, सैंड यानी बालू। बालू में हमारी जो कटिंग है वो सारी अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। तो इन कटिंग को मैं ग्रो करने के लिए बालू का यूज़ कर रहा हूँ। ये जो बालू है वो मोरंग वाली बालू है। तो आप पतली वाली बालू भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी बालू हो उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब हम डहेलिया की कटिंग को प्लास्टिक के ग्लास में इस तरह से रखेंगे और ये जो प्लास्टिक की ग्लास है इसमें चारों ओर पूरी तरह से सैंड को भर देंगे हम। इस तरह से आपको कटिंग को सैंड के अंदर पूरी तरह से लगा देना है, देख सकते हैं आप। और हमारा जो प्लांट है तभी अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसी तरह हम सारी कटिंग को लगा लेते हैं। प्लांट की सारी कटिंग लग चुकी हैं और इनमें अब हम पानी डाल देंगे। इनमें हमने किसी भी तरह का रूटिंग हार्मोन नहीं यूज़ किया है। सैंड में लगी हुई सारी कटिंग में हमने पानी डाल दिया है और अब आपको इसको छांव वाली जगह पे रखना है और खुले में रखना है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने डहेलिया की कटिंग को लगाया था, लगभग 10 दिन पहले लगाया था। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, कि सैंड में कैसे इसकी ग्रोथ हुई कि नहीं हुई। तो देख सकते हैं आप, इनमें रूट्स आ चुकी है, लगभग 10 दिन हुए हैं और इनमें बहुत अच्छी रूट आ गई है। बिना किसी रूटिंग हार्मोन के इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, आप देख सकते हैं। सैंड में किसी भी प्लांट की कटिंग की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप बिना रूटिंग हार्मोन के अगर कटिंग को लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ होगी। आपको मैं इसको धुल के दिखा देता हूँ कि इसकी रूट्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से डेवलप हुई हैं और काफ़ी अच्छे से हमें डहेलिया का प्लांट मिल गया है। अब आप इस कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट को अदर पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं और अपने प्लांट से फ्लावर पा सकते हैं। तो इनको आप पॉट में लगा लीजिए। डहेलिया के अलावा मैं आपको अदर प्लांट की कटिंग का भी रिज़ल्ट दिखाना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं, मैंने ये गेंदे के प्लांट की कटिंग को लगाया था लगभग 10 से 15 दिन पहले, इसको भी मैंने सैंड में लगाया था और इसकी भी आप देख सकते हैं ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई। इनमें काफ़ी सारी रूट्स ग्रो हो चुकी हैं और लगभग 15 दिन में आपको छोटा सा प्लांट मिल जाता है। तो इस तरह से आप कटिंग से बहुत ही अच्छे से बिना रूटिंग हार्मोन के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो ये आपको प्रोसेस बहुत ही अच्छा लगेगा। इन सारी ही कटिंग को आपको छांव में रखना है और इनमें रेगुलर आपको पानी डालते रहना है। हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज़ किया है ताकि इनमें हम रूट आने पे देख सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।